शो जहां आप सिर्फ ओपिनियन देकर रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। यस, ये है दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। सो इंडिया, ये है मेरी जेंटल वाइफ जिनी लेडी और मैं इनका मैन रितेश डी। लेकिन हम इस शो पे अकेले नहीं हैं। Like always, we have with us some highly opinionated people from our industry. Our four BFFs, yani बहुत famous friends. स्वागत कीजिए हमारे fantastic gentlemen का, the mad मस्तीखोर ऋत्विक धनजानी and करण वाही. Social distancing वाला, hello, आपको भी, आपको भी. Welcome the girl power, the bold and gorgeous Nia Sharma and the no filter girl Apna Teja Bhai, Tejaswi Prakash. Hi. Hello. Hello. अरे फिर आ गई ये percentage हमें हराने वाली. क्या बात है, ladies you're looking gorgeous. Thank you. Gentlemen, तुम लोग तो एकदम भाई लोग लग ही रहे हो आज. So India, हम पूछेंगे आपसे तीन सवाल जिनका आपको देना है परसेंटेज में जवाब, जिन पे देश का ओपिनियन पोल करवाने के बाद हमें मिल चुकी है इंडिया की सोच। आपके स्क्रीन पे आएगा एक परसेंटेज स्लाइडर जिस पर है 0, 10, 20, 30 से लेकर 100 तक का परसेंटेज। सवाल सुनने के बाद 15 सेकंड में आपको स्लाइडर पे अपना परसेंटेज क्लिक करना है। अगर आपके तीनों परसेंटेज हुए क्लोजेस्ट टू इंडिया की सोच, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। यार कभी कभी आपका मन नहीं करता कि यहाँ डिबेट करने के बजाय आप भी घर बैठे बैठे खेलो और जीतो? मुझे बहुत मन करता है। आई डोंट वांट मनी, आई वांट रिवॉर्ड्स, आई वांट द फ्लिपकार्ट का सारा चीजें। सारा चीजें यू वांट? मैं तो चाहता हूँ कि ये शो खत्म होने के बाद इसका सेकंड सीजन मैं और ऋत्विक कर लें जी, ताकि हम आपकी जगह पैसे कमा लें और अपने आप फिर फ्लिपकार्ट से खरीद लेंगे सामान। लेकिन क्या है ना, वो चेस की तरह है, जो घर छोड़ के आप दूसरे घर में जाते हो ना, वो खाली हो जाता है। सर ले लो, हमारा घर वैसे ही खाली है। So why wait? Let's begin the debate. आज का पहला सवाल है, कितनी परसेंट औरतों को शादी के बाद एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहना है? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपना परसेंटेज चुनिए। ओए, you want to stay in a joint for? I don't want to, but no. तो देखते हैं लेडीज का क्या एवरेज है।40%। आप डिबेट करी, आपके इंडिविजुअल स्कोर क्या है? बहुत अलग है, मतलब आप तो 20%। कोई भी औरत अपने पूरे होशो आवाज में नहीं चाहेगी कि वो जॉइंट फैमिली में रहे। देखो यहीं पे दो औरतें जिनके होशो आवाज बिल्कुल अलग अलग है। 70 क्या सोच के लिखा है? खुद की फैमिली सोच के लिखा है। I mean, कोई लड़की अपने दिलो जान से नहीं मांगेगी कि भगवान। बहुत मदद हो जाती है पता है, अगर बहुत लोग होंगे तो बच्चों को संभालने में, स्पेशली अगर लड़कियां काम कर रही हैं तो, अगर घर पे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, और आपको क्या लगता है मैम? इट्स नॉट एन ऑफेंस, मैं किसी की कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स लाइक आप बाहर कुछ बोलो, हाँ नमस्ते, मैं बहुत बड़ा परिवार मिल रहा हूँ, सो इनसाइड यू नो अब इसका भी खाना बनाना पड़ेगा, इसके भी कपड़े। Let's all agree to that. Yeah, a woman has to go through a lot, and like I said, everybody expects that women to take care of the in-laws, the father, the mother, the kids, the uske bachche, uski maa ke bachche, uske yahan sab. So, Hum Aapke Kaun is not your kind of a film. I love that film, but why in the 90s? Hum Aapke Kaun is a statement for her. हम आपके हैं कौन? No, but fair enough, view point है और बहुत logical view point है। We live in a country जहाँ पर हमें condition किया गया है to a fact कि देखो सह परिवार सुखी परिवार। मैं जब भी मिलाऊं तो मैं both ends of the spectrum की लड़कियों से मिलाऊं, जहाँ पे there have been women like Tejaswi says who really really feel that they want to be a part of a joint family, क्योंकि वो एक अलग experience है, comes with its own pros and cons, and same thing मैं निया को तो जानता ही हूँ। But I think it's also India में as a country
द पर्सपेक्टिव इज कि कई लोग शायद ना चाहते हो जॉइंट फैमिली में रहना, लेकिन इवेंचुअली इट डजंट हैपन, स्पेशली इन टीयर टू टीयर थ्री सिटीज, बिकॉज एक तो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं जी, दूसरा अगर फैमिली सेटअप वर्क वाइज सेम होना तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फॉर फैमिलीज नॉट टू लिव सेपरेटली. करेक्ट. और हमारे जैसे सास बहू के सीरियल्स है ना, अगर वैसा ड्रामा और स्पाइस ना हो लाइफ में तो फिर घर कैसा चलेगा. मुझे लगता है कि देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ काइंड ऑफ सेटअप्स, लेकिन एज लॉन्ग एज द मैन एंड द वुमन टुगेदर इन अ रिलेशनशिप आर हैप्पी विद एनी काइंड ऑफ सेटअप, विद द फैमिली सेटअप, या ऑब्वियसली देयर एडजस्टमेंट्स टू एवरीथिंग, सबके लिए एडजस्टमेंट तो होती रहती है. ये है हम लोगों की सोच, लेकिन आइए देखते हैं कि क्या है इंडिया की सोच. इंडिया की सोच है 61%. इस सवाल का सही जवाब है 60%. अगर आपने अपने स्लाइडर पर चुना है 60%, then you have got the right answer. और अगर आपने चुना है 50%, तो भी आप लड़कियों से आगे हैं. ओके, इस सवाल के लिए जेंटलमैन की सोच इंडिया की सोच से करीब है. ओके, आपका दूसरा सवाल है, कितने परसेंट लोगों को लगता है कि मर्द नई टेक्नोलॉजी को औरत से ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं? यार ये तो कितना एकदम, मतलब क्या सवाल हो गया? व्हाट? नहीं ऑफ कोर्स आप हमसे ज्यादा समझते हो. ओके, एंड योर 15 सेकंड स्टार्ट नाउ. सिलेक्ट द राइट परसेंटेज ऑन द स्लाइडर. देखते हैं क्या है लेडीज का परसेंटेज. परसेंट. कुछ चीजें मान लेनी चाहिए. ओके जेंटलमैन, लेट्स सी योर आंसर. ज्यादा कर दिया क्या हमने? ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, कम करेंगे शायद. 70%. हाँ देखा देखा. अच्छा मुझे बताइए लेडी, आप कितना बेहतर समझती है टेक्नोलॉजी को? Tejasvi's gone like this only first. Dada, I have gone to the Rajiv Gandhi Institute of Technology. So I am an electronics and telecommunication engineer. Oh, rep. ये पूरा बोलने में इसकी सांस फूल जाए. उसके बावजूद मैंने 80% लिखा है, क्योंकि ये सच है. They literally get into the detailings of everything. So, in spite of being an engineer, I think boys are better. नहीं है यार, वो iCloud पे कैसे बैकअप करना है, कैसे नहीं करना, कब वो डाटा. आई हैव नो आइडिया. माई ब्रदर टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कार्स, बाइक्स, वो समझाता है. मैं 40% रिटेन कर पाती हूँ, एंड मेरे को ना शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए, नहीं आता है. आनी भी नहीं चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजों में लड़के टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेटर समझते हैं, बट आई थिंक वो चीजें ना सिर्फ गेमिंग और कार्स से रिलेटेड है. Okay. I think in today's time, technology can be anywhere. It's even our social media. And I think no one better knows social media than women. Yeah. नहीं, ऐसा होता ना कि एक घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक पैकेज आ गया. हाँ. और उसके इंस्ट्रक्शंस भी है और उसको फिक्स भी करना है. देखो ऑर्डर लड़की कर लेती है, फिक्स तुम कर लेना. ये ऑर्डर फिक्स है. हाँ, ये ऑर्डर फिक्स है. I absolutely believe कि हमेशा से boys have been more techie. Yes, absolutely. इसीलिए मेरा पहला reaction ही निकाल रही है, क्या सवाल है? तो सबको ही पता है वैसा वाला होना चाहिए. जिंगल जल्दी हो गया. ये तो वही सवाल हो गया कि लड़कियां बेहतर गाड़ी चलाती है लड़के. Ritesh has a theory that women are great at multitasking, but in driving, men are amazing and women cannot get there. No. I think ladies को गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती है, उनसे back मत करवाओ. Hey, hello, hello. I'm a very good driver. Better than boys. और मैं एक झटके में parking करती हूँ. लेडी जब बैक करती है ना गाड़ी, टर अच्छा रुकना कब है? रुकना जब आवाज आएगी तब रुक जाना. एग्जैक्टली. मेरी एक फ्रेंड थी तो मैंने बोला तुझे गाड़ी चलानी आती है, तो शी सेड मैं चलाती रहती हूँ, जिसको हटना हट जाओ. आई सेड तू पागल पागल है क्या?
अच्छा इनकी बेस्ट फ्रेंड को मेरी तरफ से। तो मुझे उस दिन समझ आया कि विमेन ड्राइवर्स को गालियाँ क्यों पड़ती हैं। गालियाँ नहीं देते हम लोग। अरे बिल्कुल भी नहीं भाई। कितना अच्छी तरह चला रही है गाड़ी, हम थोड़ा दूर से इसे देखते हैं। And somehow the minute you see somebody driving like this, समझ जाओ अलग हट जाओ। नहीं कभी कभी ना हाइट छोटी होती तो दिखता नहीं है, तो मेरी बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स ना नीचे तकिया लेके बैठती है यार। फिर वो ब्रेक कैसे लगाती है? अरे एक लकड़ी रखी होती है साइड में। एनीवे आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। की सोच है 65%, इस सवाल के लिए सही जवाब है 60%। अगर आपने अपने स्लाइडर पे प्रेस किया है 60%, then you have got the right answer. और अगर आपने प्रेस किया है 70%, तो भी आप लड़कियों से आगे हैं। Shut up. इस सवाल के लिए जेंटलमैन की सोच इंडिया की सोच से करीब है। ये If I'm pressing 80, you could go 60. If you're pressing 60, I could go 80. तो 70 पे ही रहेगा। देखिए सारी स्ट्रैटेजी चालू है। वो स्ट्रैटेजी चल रही है उधर। कि एवरेज ना अपनी देख ऐसे बनानी है एवरेज कि तू 90 अगर लिखती है तो मैं 60 लिख दूँगी। That's exactly what we spoke. Really? वैसे क्या घूर के क्या देख रही है? बात नहीं की तूने? सच तेरे दिल की बात मैं जानू। लाल मुंह वाली जल्दी बता। हमारा माइक इसके इन ईयर में है क्या? ये हमारा आखिरी सवाल है। कितने परसेंट लोगों को लॉकडाउन के बाद अपने पार्टनर से ब्रेक चाहिए? आपके 15 सेकेंड शुरू होते हैं। अब परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से अपना परसेंटेज चुनिए। अरे मैं तो जानता हूँ काफी लोगों को who have just not thought have done it. Really? Yeah. Yeah, yeah. Wow. तो आइए देखते क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 50% ब्रेक चाहिए। मतलब यार अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हो गया। आइए देखते क्या है जेंटलमैन का स्कोर। एक कोई अतरंगी स्कोर ही लाएंगे, वो पता है ना इनका? नहीं नहीं बहुत ही वैलिड लाइन है। 60%। मुझे लगता है वो ब्रेक इसलिए है क्योंकि आई थिंक दे हैव हैड टू मच ऑफ ईच अदर और स्पेशली जब कुछ करने को नहीं है और ऑल्सो सडनली हम एक ऐसी जनरेशन है जो हम अपने अपने फोन्स में घुसी रहती है, वहां से अब हमें बात तो करनी है ना, कितना कंटेंट देख लोगे। सो आई थिंक ऑन द हायर साइड ही होगा। ओके कॉन्ट्ररी टू व्हाट करण वाही सेड, आई एम सेइंग अब ये लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी भी तो हो गई होगी ना टू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर विद ईच अदर। या दैट्स नॉट अपॉर्चुनिटी आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स बोर्डम। बोर्ड हां कि कुछ करने को नहीं है। I think it is in a very positive way, given people time जो रात दिन अरे मैं तो बहुत busy हूँ, अरे मुझे तो सांस लेने का time नहीं, अब तुम्हारे पास था, and now if you are still cribbing and after lockdown you finding an opportunity to leave them or take a break, I think you are stupid. Yes. You know, I feel lockdown in totality एक ऐसी opportunity है for all of us to meet ourselves first. Sure. Yes. और हम ना अपने आप से मिलने से सबसे ज़्यादा डरते हैं. Is what I believe. I agree with you. We are always running after distractions. We are always running in directions जहाँ पे we don't have to face our worst selves. लेकिन lockdown has given you no room. आप एक घर में बंद हैं अपने अपने partners के साथ. I'm sure a 40% of those people must have been कि उनकी गाड़ी सही तरीके से चल गई होगी. लेकिन a lot of other people it's actually very difficult to you know face yourself. But it's also an opportunity कि एक realignment आपके relationship में हो सकता है, right? Correct. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज गोना बी ब्यूटीफुल, देयर आर गोना बी टाइम्स थोड़ा एंड यू नो कि वंस दिस लॉकडाउन इफ अ रिलेशनशिप इज ग्रोन स्ट्रॉन्गर तो पोस्ट लॉकडाउन इट विल जस्ट गो फॉर अ लॉन्गर टाइम। या एग्जैक्टली। ओके लेट्स फाइंड आउट क्या है इंडिया की सोच। ब्रो इंडिया की सोच है 48%, इस सवाल का सही जवाब है 50%। Audience, if you press 50% on the slider, then your answer is correct. इस सवाल के लिए ladies की सोच match करती है India की सोच के साथ. With this, we wrap.
रैप अप टुडेस शो, ऑडियंस में से जिन्होंने तीनों क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं, उन्हें मिलेंगे प्राइजेस, जिनकी डिटेल्स के लिए आपको जाना होगा हमारे शो के पेज पर। अगर आज आपको प्राइज नहीं मिला तो कल फिर आओ, परसेंटेज बताओ और प्राइजेस ले जाओ, ओनली ऑन दुनिया की सबसे लंबी।